माधवी राजा सिंधिया की अस्थि कलश यात्रा पहुंची उज्जैन, शहरवासियों ने बरसाए फूल, रामघाट पर हुआ विसर्जन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता श्री राजमाता माधवीराजा सिंधिया जी का अस्थि कलश शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा। कलश यात्रा के रूप में शहर भ्रमण के बाद रामघाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता श्री राजमाता माधवीराजा सिंधिया का अस्थि कलश शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा। रामघाट पर अस्थियों का विसर्जन किया गया। शहर में यह अस्थि कलश यात्रा निकाले जाने के पहले कलश को संख्या राजे धर्मशाला देवास गेट पर रखा गया था, जहां पर शहर के प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित जनों द्वारा पुष्पांजलि के माध्यम से राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्वालियर से राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अस्थि कलश को शिंदे मंडली के सदस्य पांडुरंगा राव और महल के अधिकारी संग्राम सिंह उज्जैन लेकर पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे तक श्रद्धांजलि सभा के बाद रथ के माध्यम से ये कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर है राम जैसे भजन बज रहे थे। तो वहीं सिंधिया परिवार व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े लोगों द्वारा राजमाता अमर रहे जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। ये अस्थि कलश यात्रा देवास गेट, संख्या राजे धर्मशाला से प्रारंभ होकर मालीपुरा, दौलतगंज, फंवारा चौक, नई सड़क, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढावा रोड, शगुन गार्डन होते हुए रामघाट पर पहुंची। अनेक संगठनों ने श्रद्धा से इस यात्रा में फूल बरसाए और राजमाता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरजनाय नमः, वासुदेवाय नमः, पद्मनाभाय नमः, निरुद्धाय नमः, शोत्रदाय नमः, नालचलाय नमः, आदसिंहाय नमः, चताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमो नमः। आचमनी में जल